शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने विधायक निधि से लगाए गए प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। 191 फीट ऊंचे तिरंगे के निर्माण में 28 लाख रुपए खर्च हुए। ग्रामीण निर्माण विभाग ने स्टार सेल्स कंपनी की मदद से 47 दिनों में तिरंगे का निर्माण कार्य पूरा किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत भी मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इस दौरान तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। 191 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। रुद्रपुर के दौरे पर रहे और इस कार्यक्रम में बीजेपी के भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके साथ साथ मंत्री यतीश्वरानंद, अरविंद पांडे, ये तमाम नेता भी पहुंचे थे। 28 लाख रुपए की लागत से इस तिरंगे को बनाया गया। तिरंगे के निर्माण के लिए कोलकाता से मटेरियल आया था। राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ 51 मीटर ऊंचा, करीब 191 फीट ऊंचा रहा। इसके साथ ही लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 36x24 रहा और स्टार सेल्स कंपनी की मदद से इसे निर्मित किया गया था। एक साल का वक्त भी इसमें लगा। 28 लाख रुपए इसमें लागत आई है। वही मुजफ्फरनगर गोलीकांड की 27वीं बरसी पर अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने शहीदों को नमन किया। यहां के चौघान पाटा गांधी पार्क में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, साथ ही गीत गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि राज्य बनने के 21 साल के बाद भी आज तक शहीदों को न्याय नहीं मिला। वहीं कांग्रेस इन दिनों गांव गांव अभियान चला रही है और इस तहत कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव रानीखेत पहुंचे। इस दौरान देवेंद्र यादव गैरड गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता ललित आर्य के घर पर ठहरे। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं है और 2022 के लिए कांग्रेस एकजुट है। तो कांग्रेस ने दावा किया है कि किसी भी तरीके की गुटबाजी नहीं है। 2022 के मद्देनजर हर कोई एकजुट है और तैयारी की जा रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक बार फिर से इसका दावा किया गया। मुझे मौका मिला यहाँ आकर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने का और निश्चित ही देखिए 2022 के लिए कांग्रेस एकजुट है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपना काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हम एकजुट होकर इस जो 4.5 साल की नाकामयाब सरकार रही है, जो नाकारा सरकार रही है, उसके खिलाफ जो एक बिगुल बजा है वो 2022 में परिवर्तन ला कर रहेगा।